दिल्ली की बात करेंगे जहां अरविंद केजरीवाल ने आज दूसरी जनता अदालत लगाई। दिल्ली छत्रसाल स्टेडियम से केजरीवाल ने हुंकार भरी तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक नया चैलेंज दे दिया। बीजेपी बिजली फ्री करे मैं उनके लिए प्रचार करूंगा, ऐसा कहना अरविंद केजरीवाल का। हमने बिजली पानी फ्री किया, देश से डबल इंजन सरकारें जा रही हैं, देश में डबल इंजन की सरकार फेल है, डबल इंजन थक चुका है, अब नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और इसी के साथ एक बड़ा चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि एक साल के अंदर जितने भी राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर बिजली फ्री कर दीजिए, मैं दिल्ली में मोदी जी के लिए प्रचार करूंगा। ये शब्द अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहे गए और साथ ही डबल इंजन की सरकार को लेकर जमकर घेरते हुए जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल नजर आए। दोनों राज्यों से भाजपा की डबल इंजन सरकार जा रही है, अब डबल इंजन फेल हो गया देश के अंदर। एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था जब इनके 240 सीट आई थी, अब दूसरा इंजन एक एक करके अभी हरियाणा से दूसरा इंजन जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से जा रहा है, फिर झारखंड से भी जाएगा, फिर महाराष्ट्र से भी, अब सारे डबल इंजन की सरकार जा रही है। लोगों को समझ में आ गया डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। डबल इंजन का मतलब है डबल लूट, डबल भ्रष्टाचार। मोदी जी के एक दोस्त हैं, नाम पता है सब लोगों को, एक ही कहते हैं मोदी जी कहीं भी विदेश जाते हैं उनके पीछे पीछे वो जाता है और उनके लिए ठेके इकट्ठे करके लाते हैं। तो डबल इंजन की सरकार इसलिए चाहिए कि केंद्र के तो सारे ठेके दे दिए, अब राज्यों के ठेके भी देने हैं उनको, इसलिए इनको डबल इंजन की, डबल लूट की सरकार चाहिए इन लोगों को। आज मैं मोदी जी को कहता हूं चलो कुछ नहीं एक ही काम कर दो, फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो, दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी दीपक रावत के पास चलेंगे, दिल्ली से वो हमारे साथ कनेक्ट हैं। दीपक देखिए जैसे ही एग्जिट पोल दिखे हैं सामने आए हैं उसके बाद जो ये अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास है ये अलग लेवल पे नजर आ रहा है। बीजेपी भले ही मुफ्त की रेवड़ी करती रहे लेकिन खुले मन से चैलेंज दे रहे हैं कि आप जिन राज्यों में आपकी सरकार है आप मुफ्त कीजिए वहां पर, मैं तो आपके लिए प्रचार करने के लिए तैयार हूं, मोदी जी को कह रहे हैं केजरीवाल। दीपक मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल पूजा, और इसीलिए उन्होंने एग्जिट पोल का जिक्र किया अपने भाषण की शुरुआत में ही। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी का जी बिल्कुल मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ग्राफ जो है वो लगातार बीजेपी का, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ इस लोकसभा चुनाव से लगातार नीचे गिरा है और यही वजह है कि अब जो डबल इंजन की जो सरकार की बात बीजेपी करती रही है वो डबल इंजन अब एक तरीके से टूटता जा रहा है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना इसलिए साधा गया क्योंकि दिल्ली में मुख्य तौर पर लड़ाई आम आदमी पार्टी की बीजेपी से है और यहाँ पर भी बीजेपी आने वाले दिनों में ये कहेगी कि अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है तो डबल इंजन सरकार से काम हो पाएगा। ये वजह है कि इसका तोड़ निकालने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की और लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश की कि बाकी राज्यों के साथ जनता की अदालत में खुले मंच से एक बड़ा चैलेंज सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केजरीवाल ने दे दिया। शुक्रिया आपका दीपक अपडेट्स पहुंचाने के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए देखिए केजरीवाल ने अब जो बयान दिया है जाहिर है बीजेपी ने भी पलटवार किया। केजरीवाल मानसिक दिवालियापन दिखा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, जनता के बीच जाते तो आज अदालत की जरूरत उनको पड़ती नहीं, ये कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। दरअसल केजरीवाल ने जनता की अदालत में जमकर डबल इंजन की सरकार पर वार किया और उन्होंने सीधे तौर पर एक खुला चैलेंज दे दिया जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ जुड़ गए हैं। सर जनता का दरबार दिखाई दे रहा है, अरविंद केजरीवाल जी जनता का दरबार कर रहे हैं और वहां पर जनता के बीच में जाकर अब से कुछ देर पहले केजरीवाल जी बोले हैं कि 75 साल के मोदी जी हो गए हैं, रिटायरमेंट उनका कुछ महीनों में आने वाला है जब उनका जन्मदिन आएगा और जो महीने बचे हुए हैं उसमें वो 22 काम दिल्ली के करके दिखा दें। क्या आप अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे कि कौन रिटायर होगा? अरविंद केजरीवाल अपने आचरण को झाके 177 दिन जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक दिवालियापन दिखा रहे हैं।
मानसिक संतुलन अरविंद केजरीवाल का बिगड़ गया है और वही भाषा उनके विधायक जो गुंडे हैं वो भी बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल की अदालत में जनता नहीं थी, जनता तो यहाँ सुन रही थी हम लोगों को, 10,000 की भीड़ आपने देखी है। और अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जाने की हिम्मत रखते 10 साल तो आज उन्हें अदालत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 10 साल अरविंद केजरीवाल तुमने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया, ठगने का काम किया, शराब की दलाली, कमीशन और चोरी तुमने किया, इसलिए 177 दिन जेल में रहने के बाद अभी जमानत पे बाहर आए हो, अपराध मुक्त नहीं हो, जाना तुम्हें वही है क्योंकि चोरी तुमने की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।